उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे कई राज्यों में भाजपा की बड़ी ताकत का आधार क्षत्रियों को भी माना जाता रहा है। आमतौर पर सवर्णों का समर्थन भाजपा को बड़े पैमाने पर मिलता रहा है और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता के उभार के बाद क्षत्रियों का वोट पूरी तरह भाजपा में ही शिफ्ट हुआ है। योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम हैं और ठाकुर बिरादरी के ही राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं। इसके अलावा भी कई बड़े नेता इसी समुदाय से आते हैं। फिर भी लोकसभा चुनाव के इस दौर में पश्चिम यूपी के कई जिलों में ठाकुर महापंचायतें हुई हैं, जिनमें भाजपा के विरोध का ऐलान हुआ है। सहारनपुर के ननौत गांव, मेरठ के कपसेड़ा और गाजियाबाद के धौलाना में पंचायतें हुई। इसके अलावा जेवर में भी एक पंचायत पिछले दिनों हुई थी। इन पंचायतों में पश्चिमी यूपी के अलावा हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से भी बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग पहुंचे थे। इन पंचायतों में मेरठ और सहारनपुर मंडल में किसी ठाकुर नेता को लोकसभा का टिकट न दिए जाने पर आपत्ति जताई गई। ठाकुर समाज की मीटिंग में कांग्रेस और भाजपा दोनों से ही अपील की गई कि वह ठाकुरों को नजरअंदाज न करें, लेकिन सत्ता में होने की वजह से भाजपा के प्रति अधिक गुस्सा दिखता है। इन पंचायतों को बुलाने वाले कई नेताओं ने कहा, सहारनपुर से लेकर नोएडा तक किसी एक भी ठाकुर नेता को टिकट न देने से गलत संदेश गया है। ऐसे में हम भाजपा को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि गाजियाबाद से वीके सिंह सांसद थे तो इस मंडल में एक प्रतिनिधित्व था, लेकिन अब उनका भी टिकट कटने के बाद गुस्सा बढ़ गया है। वहीं मुरादाबाद मंडल में सर्वेश सिंह को टिकट मिला है, लेकिन मेरठ और सहारनपुर मंडल से मौका न मिलने पर गुस्सा बढ़ा है। यही नहीं, यूपी के अलावा गुजरात में भी क्षत्रिय समाज इन दिनों भाजपा से खासा नाराज है। यही नहीं, मोदी सरकार के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। उन्होंने एक कार्यक्रम में दलित समाज की सराहना करते हुए कहा था, जब ठाकुर राजाओं ने हथियार डाल दिए थे और अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था, तब दलितों ने हथियार उठाए और लड़ाई जारी रखी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।